स्वर्ग सा खूबसूरत घर बनाने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन हर किसी का ये सपना पूरा नहीं होता। और बात जब फैसिलिटी से लेस महल जैसा घर बनाने की हो, तो इतना पावर और पैसा केवल चुनिंदा रईस लोगों के पास ही होता है। ऐसे में चलिए आज इन्हीं रईस लोगों के लग्जूरियस घरों का दीदार करते हैं। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे आलीशान और महंगे घरों की सैर पर ले जाने वाले हैं, जो लग्जरी में 5-स्टार होटल को भी मात दे सकते हैं। इन्हें देखने के बाद आप भी यही कहने वाले हैं कि भाई वाह, लग्जरी हो तो ऐसी। नंबर 10, ज़ानडू 2.0, वॉशिंगटन DC। दुनिया के सबसे महंगे घरों की बात हो तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का शाही आशियाना कैसे पीछे रह सकता है। वॉशिंगटन के मेलिंडा में बने इस घर को उन्होंने 7 साल की कड़ी मेहनत और डिजाइनिंग से डेवलप किया है। प्यार से वो आज इसे ज़ानडू 2.0 कहकर बुलाते हैं। 66,000 स्क्वायर फुट में फैले इस शाही आशियाने से उन्हें इतना लगाव है कि उन्होंने $63 मिलियन में इसे बनवाया था और आज इसकी वैल्यू $124 मिलियन के करीब है। सभी हाईटेक फैसिलिटी से लेस बिल गेट्स के इस घर में एक स्पेशियस लाइब्रेरी के साथ गार्डन, स्विमिंग पूल, अंडरवाटर म्यूजिक सिस्टम और रिमोट कंट्रोल्ड आर्टवर्क भी है, यानी कि आप केवल एक बटन से घर में मौजूद आर्टवर्क को बदल भी सकते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर हाईटेक डिटेल से डिजाइन इस घर की कीमत इतनी क्यों है। नंबर 9, 1819 केंसिंगटन पैलेस गार्डन्स। चारों तरफ पेड़ पौधे और नेचर से भरपूर 1819 केंसिंगटन पैलेस गार्डन एक खूबसूरत आशियाना है, जिसके मालिक कोई और नहीं बल्कि इंडियन स्टील बिलियनेयर लक्ष्मी मित्तल है। उन्होंने ये घर 2004 में बर्नी एक्लेस्टोन से $128 मिलियन में खरीदा था और तब से ये राजमहल उनका रेजिडेंस है। लंदन में सबसे पॉश लोकेशन में होने के साथ साथ इसकी सुविधाएं लाजवाब है। एक रैविशिंग गार्डन, 12 बेडरूम, इंडोर पूल, टर्किश बाथ्स, एक बड़ी पार्किंग स्पेस के साथ भी बहुत कुछ इस घर को एक्सपेंसिव बनाता है। सबसे दिलचस्प बात है कि यहाँ आपको पड़ोसी के तौर पर प्रिंस विलियम का साथ मिलता है। ऐसे में कौन भला इस मेगा मैंशन में नहीं रहना चाहेगा। नंबर 8, वार्नर एस्टेट। बेवर्ली हिल्स में मौजूद इस आलीशान महल को देख रहे हैं आप। यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी रहता है, जिसकी कंपनी का दबदबा पूरे वर्ल्ड में है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की। साल 2020 में उन्होंने इस महल को $165 मिलियन में बिलियनेयर डेविड गेफिन से खरीदा था और तब से इसकी बेमिसाल सुविधाओं का वो लुत्फ उठा रहे हैं। 13,600 स्क्वायर फीट में फैला ये मैंशन बेवर्ली हिल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज में से एक है। 8 बेडरूम, स्टाफ हाउस, 2-स्टोरी जिम, बड़े हॉल, 2 गेस्ट हाउस के साथ इसमें पूल और टेनिस कोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नंबर 7, प्लाजो दी अमोरे। दुनिया के सबसे महंगे घरों की लिस्ट में बेवर्ली हिल्स में बसे प्लाजो दी अमोरे का नाम भी आता है। इसके मालिक कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के जाने माने पॉलिटिशियन और रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर जेफ ग्रीन है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्यूटीफुल सीनिक व्यू, 12 बेडरूम, 23 बाथरूम, बड़े स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर और बड़े टेनिस कोर्ट के साथ उनका ये घर किसी हॉलीडे रिजॉर्ट से कम नहीं है। यहाँ वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ पार्टीज का मजा भी लेते हैं। स्पेशली पार्टीज के लिए इस घर में रिवॉल्विंग डांस फ्लोर है और बाथरूम भी बना हुआ है। वैसे $195 मिलियन इस घर की मार्केट कीमत है और अमेरिका में अभी इसे सेल पर रखा गया है। नंबर 6, एलिसन एस्टेट। दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी के पास मेगा मैंशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। USA के कैलिफोर्निया वुडसाइड में बना एलिसन एस्टेट ओरेकल कंपनी के फाउंडर लैरी एलिसन का स्वप्न महल है और यकीन मानिए, इसकी खूबसूरती कई बड़े रिजॉर्ट और कैफे को मात देने वाली है। जापानीज इंपीरियल डिजाइन में बनाया गया ये महल 23 एकड़ में फैला हुआ है। इस प्रॉपर्टी में आपको 10 बिल्डिंग से लेकर मैन मेड लेक, टी हाउस, बाथ हाउस, स्विमिंग पूल जैसी सभी रॉयल फैसिलिटीज देखने को मिलती है। सबसे दिलचस्प बात है कि इतनी फैसिलिटीज के साथ इसे डिजाइन करके बनाने में लगभग 9 साल का समय लगा है। नो डाउट इसीलिए इसकी कीमत $200 मिलियन है। नंबर 5, 4 फेयरफील्ड पॉन्ड। न्यूयॉर्क में जब भी सबसे बड़े घरों की बात होती है तो 4 फेयरफील्ड पॉन्ड का जिक्र जरूर आता है। लगभग 64,000 स्क्वायर फीट में फैले इस मैंशन की खूबसूरती है कि ये लाइमस्टोन इटालियन रेनेसांस घर है, जिसमें 29 बेडरूम्स, 39 बाथरूम्स, बास्केटबॉल कोर्ट, स्क्वाश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, प्राइवेट थिएटर और 3 स्विमिंग पूल्स के साथ साथ बहुत सारी लग्जरीज है। एक 91-फुट डाइनिंग रूम से लेकर एक मैंशन का अपना खुद का पावर प्लांट भी है और यही वजह है कि इसका प्राइस टैग $248 मिलियन है।
अब अगर आप सोच रहे हैं कि भला इतना महंगे घर का मालिक कौन है, तो बता दे कि रेनको ग्रुप के मालिक आयरा रीनर इस प्रॉपर्टी के ओनर है। नंबर 4, विला लेस कैद्रेस। अगर धरती पर रॉयल हेवन देखने का जी करे तो विला लेस कैद्रेस का रुख कर सकते हैं। फ्रेंच रेवरी में बसे इस खूबसूरत राजमहल की कीमत जानते हैं कितनी है? पूरे $221 मिलियन। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है, तो बता दे कि 18,000 स्क्वायर फीट में फैले इस मेंशन में आलिशान हॉल, 14 बेडरूम्स, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, बॉल रूम, 3,000 किताबों वाली लाइब्रेरी, पॉन्ड, 35 एकड़ वाले गार्डन के साथ वो सब कुछ है जो एक राजमहल में होना चाहिए। लेकिन अफसोस, अब ये किसी राजा का आशियाना नहीं है, बल्कि यूक्रेन के रिचेस्ट आदमी रीनत आखमेतोव की प्रॉपर्टी है। 2019 में उन्होंने इसे इटालियन बेवरेज कंपनी कैंपरी के मालिक डेविड कैंपरी से खरीदा था। नंबर 3, विला लियोपोल्डा, फ्रांस एसएस। $730 मिलियन की कीमत वाले मेगा मेंशन में रहना हमारे लिए ख्वाब हो सकता है, लेकिन ब्राजीलियन फिलेंथ्रोपिस्ट लिली सफरा के लिए ये उनकी हकीकत है। 50 एकड़ में फैले उनके इस महल को दुनिया विला लियोपोल्डा के नाम से जानती है और ये फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में मौजूद है। 11 बेडरूम्स, 14 बाथरूम्स, 2 गेस्ट हाउस और एक हेलीपैड सहित कई स्विमिंग पूल्स और गार्डन के साथ इस मेगा मैंशन में फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी लोकेशन है। दरअसल ये खूबसूरत घर फ्रांस के बिल्कुल शांत और खूबसूरत कंट्री साइड में मौजूद है और यही वजह है कि इसकी कीमत अच्छे अच्छों को सरप्राइज कर देती है। नंबर 2, एंटीलिया मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी के एंटीलिया को घर के बजाय आलिशान महल कहना बेहतर होगा। मुंबई की महंगी सड़कों पर बना एंटीलिया वो स्वर्ग है जिसके सामने कई 5-स्टार होटल भी खंडर लगते हैं। स्पेशियस कार पार्किंग, 9 हाई स्पीड लिफ्ट, 3 हेलीपैड, आइसक्रीम पार्लर, मूवी थिएटर, सलोन, जिम, शानदार स्विमिंग पूल और जकूजी के साथ एंटीलिया 27 मंजिला पैलेस है। 4,00,000 स्क्वायर फीट में फैले हुए इस मैंशन में वो हर लग्जरी मौजूद है जिसका मजा लेने के लिए लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं। खास बात है कि स्वर्ग से आलिशान इस घर को अंबानी जी ने काफी फुर्सत से डिजाइन करवाया है। कहते हैं कि 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी इस घर की नींव नहीं हिला सकता है, यानी कि लग्जरी के साथ घर में एडवांस सेफ्टी मेजर्स का भी ख्याल रखा गया है। अब जब फीचर्स इतने एडवांस है तो जाहिर है कि कीमत भी रिकॉर्ड तोड़ ही होगी। तो आपको बता दे कि मुकेश अंबानी के स्वर्ग की कीमत 15,000 करोड़ है। वैसे भारत जैसे देश में लोग इस महल को पैसे की बर्बादी भी करार देते हैं। नंबर 1, बकिंगम पैलेस, लंदन, यूके। सबसे महंगे और आलिशान घरों की लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है इस महल का, जिस पर इंग्लैंड की रानी रहती है। हम बात कर रहे हैं बकिंगम पैलेस की। रॉयल्टी और फैसिलिटीज से भरपूर बकिंगम पैलेस क्वीन एलिजाबेथ की शानो शौकत का प्रतीक है। नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर में बने इस महल की खूबसूरती कई लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। दूर दूर से लोग इस रॉयल रेजिडेंस का दीदार करने आते हैं और इसके रॉयल फीचर से इम्प्रेस हो जाते हैं। 775 रूम्स, 188 स्टाफ रूम्स, 92 ऑफिसेज, 78 बाथरूम्स और 19 स्टेट रूम्स के साथ ये महल सबसे ज्यादा कमरों के लिए भी जाना जाता है। दिलनशी गार्डन से लेकर फाउंटेन और शाही हॉल तक बकिंगम पैलेस में वो सब कुछ है जो इसे दुनिया का सबसे आलिशान महल बनाता है। आपको बता दे कि रानी की इस क्राउन प्रॉपर्टी की इंटरनेशनल कीमत $1.5 बिलियन है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे महंगे घर जो दाम और शान में राजा के महलों को भी मात देते हैं। इनका दीदार करना आम लोगों के लिए भले ही सपने जैसा हो सकता है, लेकिन बेशुमार दौलत के मालिक इन्हीं आलिशान महलों में अपनी जिंदगी बिताते हैं। अब जनाब, आपको इनमें से किस महल ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। बस जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।